दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को शनिवार को पंजाब की अमृतसर कोर्ट में लाया गया। उन्हें शिरोमणि अकाली दल के महासचिव विक्रम सिंह मजीठिया द्वारा दायर मानहानि मामले के सिलसिले में अदालत में पेश किया गया। हालांकि अमृतसर कोर्ट ने नेता को राहत नहीं दी और उन्हें 16 दिसंबर को अगली सुनवाई के लिए पंजाब बुलाया है। इस दौरान बुरी तरह बौखलाए संजय सिंह ने कहा कि मोदी की तानाशाही के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, मैं किसी जेल फर्जी केस से नहीं डरता। आपको बता दें कि अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया की तरफ से साल 2016 में संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया गया था। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले साल 2016 में मोगा में एक रैली के दौरान शिरोमणि अकाली दल के नेताओं को संजय सिंह ने नशा तस्कर बता दिया था, जिसको लेकर मानहानि का मामला दर्ज करवाया गया था। 2016 में ही संजय सिंह पर आरोप तय किए गए थे, जिसके बाद विक्रम सिंह मजीठिया को अपने गवाह भुगताने के लिए कहा गया था। आपको बता दें कि विक्रम सिंह मजीठिया ने आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह के अलावा आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और आशीष खेतान के खिलाफ भी मानहानि का मामला दर्ज करवाया था। मामले को लेकर बाद में केजरीवाल ने अपना थूका चाटते हुए माफी मांग ली। जानकारी के अनुसार संजय सिंह के साथ उनकी पत्नी अनीता सिंह भी अदालत पहुंची। इस दौरान अमृतसर जिला न्यायालय के बाहर संजय सिंह के वकील एडवोकेट परमिंदर सिंह सेठी ने पत्रकारों से बातचीत की। वहीं दूसरी तरफ पूर्व कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया भी अदालत में पेश हुए। आबकारी नीति मामले में सिसोदिया को फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। वहीं संजय सिंह को पिछले महीने इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। केजरीवाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा था कि वक्त चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हम सब परिवार एकजुट है, एक साथ है, हम सब सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और अंत में जीत सत्य की ही होगी। वहीं इससे पहले दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में आप नेताओं ने ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र पर बड़ा हमला किया है। दिल्ली सरकार की राजस्व और तकनीकी शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि बीजेपी को यह समझना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के नेता भगत सिंह के वंशज हैं। अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया तो सरकार जेल से चलेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री ही देखना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे, अरविंद केजरीवाल कभी इस्तीफा नहीं देंगे। इस दौरान आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद करना चाहती है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार के कामकाज को ठप करने की हर संभव कोशिश हुई, लेकिन केजरीवाल आज तक न रुके हैं और न ही झुके हैं। जितना जुर्म अरविंद केजरीवाल पर हुआ उतना कोई भी नेता या पार्टी सह नहीं पाती। राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी वालों ने आम आदमी की जिंदगी मुश्किल करके पाप कमाया है और अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी को सहूलियत देकर पुण्य कमाया है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।